होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो जैसे कि पिछली क्लास में हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्केलेटन सिस्टम, इट मींस कंकाल तंत्र चल रहा था। तो आइए देखते हैं कंकाल तंत्र में, जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि 206 हड्डियां होती हैं, तो सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल्स में आपको बताते हैं कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्केलेटन सिस्टम चल रहा है। ओके, स्केलेटन सिस्टम चल रहा है, कंकाल तंत्र, दैट्स क्लियर। तो जैसे कि हम क्या बताए थे कि 206 हड्डियां प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो अब हम क्या देखेंगे, जैसे ये हड्डियां भी दो मिलनी क्या है, दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखेंगे ये जो हमारा क्या है, कंकाल क्या है, स्केलेटन क्या है। स्केलेटन दो प्रकार का है, ठीक है, कि हड्डियां भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, एपेंडिकुलर, जिसे उपांगीय बोलते हैं, ठीक, क्या, एपेंडिकुलर, ओके, जिसे उपांगीय बोलते हैं, ठीक है। ये जो उपांगीय हड्डी होती है ये हमें मदद करती है चलने या कोई वर्क करने में, ओके। एंड देन सेकेंड क्या है, सेकेंड है एक्सियल, अक्षीय हड्डी, ठीक है, क्या, एक्सियल, एक्सियल इसे क्या बोलते हैं, अक्षीय। दैट्स हियर माय पॉइंट कि क्या कि हमारी बॉडी में हड्डियां भी दो प्रकार की हैं, जैसे कि एपेंडिकुलर एंड क्या, एक्सियल, सॉरी अपेंडिकुलर को क्या, उपांगी, एंड एक्सियल अक्षीय। ये जो उपांगी होती है ये 126 हड्डी होती है, ठीक, 126, हाँ। एंड देन ये कितनी होती है, ये 80 होती है, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 206 हड्डियां हो गई, ठीक है, क्या, टोटल 206 हड्डियां हो गई, दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं कि अपेंडिकुलर में कौन कौन सी हड्डी या फिर क्या क्या आता है, ठीक है। तो जस्ट इसे हम अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर की। आपको हड्डियों के नेम ऐसे याद हो जाएंगे जिस प्रकार से जो पंडित होते हैं ना वो कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार से आपको हड्डियों के नेम पूरे याद हो जाएंगे अभी आज की क्लास में, ठीक है। तो क्या हम देखेंगे एपेंडिकुलर में, ठीक है, एपेंडिकुलर में क्या 126 बोन्स पाई जाती हैं, जो कि किस प्रकार है। फर्स्ट तो हम क्या देखेंगे, इसमें हैंड आता है, ठीक, अपेंडिकुलर में क्या आता है, हाथ आता है, ठीक है, क्या, हाथ आता है। फर्स्ट क्या देखेंगे, यहाँ पे हैंड आता है इसमें, ठीक है, क्या, हैंड, अपेंडिकुलर में क्या, हैंड आता है। और इसमें पता है कितनी हड्डी होती है, हमारे एक हैंड में 30 और फिर जब दूसरा हैंड क्या है उसमें भी 30, तो 30 × 60 हड्डी, ठीक है। क्या देखेंगे कि ये हैंड में 30, ठीक है, और दो हैंड है तो क्या 60 होती है। अब कौन कौन सी होती है देखते हैं, देखिए ये जो हमारा हैंड है, ठीक है, क्या, हैंड, यहाँ होती है ह्यूमरस, ओके, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या कि हमारे बॉडी में हैंड में जो अपेंडिकुलर पार्ट है उसमें क्या, ये ह्यूमरस एंड ये क्या, रेडियस एंड ये अल्ना, फिर इसके नीचे क्या है, ये का से कार्पल, ठीक है, कासे कलाई कार्पल्स, ओके, कार्पल्स, फिर ये मेटा कार्पल्स एंड ये क्या है, फ्लेंजेस, जो उंगली है, ठीक है। दैट्स इन माय पॉइंट, क्या, जस्ट आंख बंद करके आप लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजेस, ठीक है, क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और ये क्या है, कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेंजेस। तो देखिए कि इसमें कौन कौन सी, फर्स्ट क्या है, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, एंड सेकेंड क्या है, रेडियस, ओके, एंड थर्ड क्या है, अल्ना, एंड फोर्थ क्या है, फिर ये तो ठीक है, तीन का सेट है, ठीक है, क्या कि पहले तो तीन का सेट है ना, यहां से यहां तक तीन का सेट है, क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, उसके बाद तीन का सेट कहाँ है, फिर तीन का सेट यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, यहाँ से, ये क्या है, का से कलाई, का से सी से कार्पल, कार्पल, मेटा कार्पल,
है, फिर क्या कार्पल, ओके कार्पल, मेटाकार्पल, फिर क्या फ्लैंजेस, ठीक है। फ्लैंजेस हाँ, तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या हमारे हैंड में, क्या एपेंडिकुलर पार्ट में, क्या हैंड में फर्स्ट क्या है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और फिर यहां से क्या है कार्पल, मेटाकार्पल, फिर क्या है फ्लैंजेस, जहां की जहां से क्या अंगुली मेरी मतलब हमारी बन जाती है। दैट्स क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अब हम इसको ये कह सकते हैं कि इसका हाथ का सेट क्या है 3+3, ठीक है। हाथ का सेट क्या है 3, तीन हड्डियां यहाँ, इट मीन 6, ठीक है, ये क्लियर हुआ। एंड देन अपेंडिकुलर में दूसरा हमारा पार्ट क्या है, अपेंडिकुलर में दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा आता है लेग, ठीक है, इट मीन्स पैर। तो अब हम पैर में क्या देखेंगे, पैर में कौन कौन सी हड्डियां होती है, तो पैर फर्स्ट क्या ये फीमर जांग में प्रेजेंट होती है, क्या फीमर जांग में प्रेजेंट होती है, तो फर्स्ट क्या फीमर, हाँ इसमें भी क्या होते हैं एक पैर में 30, एक पैर में 30, इट मीन 7, ठीक है, 30 × 2 = 60, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है फीमर, क्या फीमर, ओके, एंड सेकेंड हड्डी क्या है फीमर के बाद, पता है क्या होता है फीमर के बाद, ये नी जिसे घुटने, जो कटोरे जैसा होता है जिसे घुटना करूं क्या बोलते हैं, घुटना, घुटने में जो ऐसे रहता है चक्री समान, उसे क्या कहते हैं पटेला, ठीक है, क्या पटेला। एंड थर्ड क्या है, पटेला के बाद क्या है थर्ड हमारा, थर्ड है ये फीमर, पटेला, और उसके बाद हम देखेंगे टीबिया, ठीक है, टीबिया, ठीक है, और फोर्थ क्या है फिबुला, फिबुला, ओके। यहाँ ये नहीं पूछता है कि हड्डियां कितनी होती हैं, हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि फेस में कितनी हड्डी है और वहां कितनी हड्डी है, लेकिन इसमें नॉर्मली ये है कि जैसे क्या कि ये जो कौन सी जो क्या फीमर हड्डी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जांग में, और फिर ये पूछ सकता है कि पटेला कहाँ प्रेजेंट होता है पैर में, ठीक है, टीबिया कहाँ प्रेजेंट होती है ये पैर के नीचे घुटने, जो मोटी हड्डी दो होती है टीबिया और क्या फिबुला, टीबिया फिबुला, टीबिया फिबुला। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पैर में जांग से स्टार्ट होती है, थाई से स्टार्ट होती है, क्या फर्स्ट फीमर एंड सेकेंड पटेला, एंड थर्ड क्या है, थर्ड है टीबिया, ठीक है, जो उसके नीचे होती है, टीबिया, उसके बाद क्या फिबुला, ओके। तो हाथ में जो क्या है चार सेट बना, सॉरी पैर में चार सेट बना, हाँ ओके। एंड देन पता है पैर को क्या बोलते हैं, टखना बोलते हैं, टखना, टखने को क्या हम इसे टार्सल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें क्या था, हैंड में क्या था कि ये कलाई थी, ठीक, यहाँ से क्या है कलाई है, तो कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजेस, देन वहां पे क्या है टखना है, इसलिए टार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद फ्लैंजेस, ठीक है, इट मीन्स टो, अंगुली का वो हुआ, ठीक। तो यहाँ देखेंगे इसका क्या है कि टार्सल, ठीक है, टखना है इसलिए यहाँ टार्सल, उसके बाद क्या मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, एंड क्या फ्लैंजेस, ठीक है, क्या फ्लैंजेस, ये फ्लैंजेस, ठीक, फ्लैंजेस, हाँ क्लियर हुआ कि क्या कि फर्स्ट हम क्या देखें कि पहले तो हैंड का देख ली, उसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि पैर में क्या होता है, सबसे यहाँ पे थाई के बगल क्या होता है जांग, यहाँ से जुड़ा होता है जांग, ठीक है, थाई में क्या होता है फीमर, फीमर हड्डी होती है, ओके। देन उसके बाद क्या होता है नीचे उसकी क्या होता है पटेला होता है, पटेला जो ऐसे होता है वो चक्री समान, क्या पटेला, फिर जस्ट उसके नीचे दो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है जिसे क्या बोलते हैं टीबिया फिबुला। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बना हुआ भी है कि ये जो टीबिया हड्डी होती है वो वहां प्रेजेंट होती है, तो क्या पैर में प्रेजेंट होती है, दैट्स द राइट पॉइंट। तो ये कितनी हो गई, और फिर यहाँ सेट क्या देखेंगे, 3 सेट है, ठीक है, 3। अब यहाँ हम आपको समझाने के लिए कि हैंड में क्या है, हैंड का सेट क्या है 3 प्लस
क्या है ये, क्या 4 + 3, ठीक है। एंड देन अब कितनी हो गई 60, क्या 30 हाथ में, इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, 60 हुआ। एंड पैर में 30, अगले पैर में 30 क्या हुआ 120, ठीक। कितनी हो गई टोटल, ये 120 हो गई, ठीक है। जैसे कि अपेंडिकुलर में 126 होती है, 120 हो गई। अब हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा हाथ है, ये जो हमारा हाथ है, ठीक है, हमारा हाथ ऐसे तो मूव कर नहीं रहा है, ठीक, कि बस ऐसे मूव कर, हमारा हाथ मूव करने के लिए देखिए ये हमारा पीछे वाला जो होता है इसे स्कैपुला कहते हैं। ये जो यहाँ से हैंड, जहाँ से हमारा जॉइंट है, ये क्या बोलते हैं, हैंड के जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या स्कैपुला हड्डी होती है, बहुत बड़ी हड्डी होती है जो कि हमारे हाथ को जोड़े रखती है, जॉइंट्स, ठीक है, क्या स्कैपुला। ओके, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, कितनी हुई 120 हो गई, क्या 60 × 120। ओके, अब हम देखेंगे क्या स्कैपुला, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो हमारे हाथ के जॉइंट्स हैं, ये हाथ के जॉइंट यहाँ देखिए, ऐसे जो हमारा हाथ ये घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, स्कैपुला के कारण घूम रहा है, क्या स्कैपुला हड्डी के कारण घूम रहा है, क्या स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला। जो कि क्या भाई, दो हाथ है तो दो हड्डी ये हो गई, कितना हो गया 122 हो गया, ठीक है, दो स्कैपुला। ओके, दैट्स माय पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि देखिए हाथ को जोड़े रखने के लिए क्या स्कैपुला, जिसे ये बोलते हैं अंशमेखला, ठीक, स्कैपुला को अंशमेखला बोलते हैं, ठीक है। एंड देन स्कैपुला हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये तो हैंड को जोड़े हुआ है, ठीक है, क्या स्कैपुला हड्डी। एंड फिर हम क्या देखेंगे, पैर को भी तो जोड़े हुआ है, दो हमारे दो पैर हैं, इसे भी तो जोड़े हुआ है, तो वो कौन सी हड्डी है, इसे बोलते हैं पैर, पैर से पेल्विक, ठीक है। ओके, क्या किससे, क्या है पेल्विक, पैर, क्या ये पेल्विक जो हमारी कमर से यहाँ से जुड़ी हुई है इसे बोलते हैं पेल्विक। पेल्विक मीन्स क्या होता है, श्रोणि मेखला, ठीक है, मेखला। ओके, पेल्विक, ये भी क्या भाई, दो पैर है तो क्या दो हड्डी है, कितना हो गई 22 हो गई। अब बची दो हड्डियां, एक हड्डी पता है क्या, और फिर दो हड्डियां यहाँ यहाँ होती है, जिसे कॉलर, कॉलर क्या, इसे क्लेविकल बोन्स कहते हैं, यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ क्लेविकल बोन्स, पता है जैसे जो फीमेल मेल होते हैं उनके देखिए यहाँ से दिखता रहता है ना, ये सबसे वीक हड्डी कोई है तो क्लेविकल हड्डी है, यहाँ अगर आप तेजी से बहुत तेजी से मारेंगे ना ये हड्डी निकाल दे सकते हैं, लेकिन आप प्रयास मत करिएगा किसी का, ठीक है। ये बहुत ही वीक हड्डी होती है, कौन सी, क्लेविकल, हम क्या देखेंगे, क्लेविकल, ठीक, क्लेविकल, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्या कॉलर बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ कॉलर के साइड प्रेजेंट होती है ना, कॉलर बोन। और उधर इसका एक नाम और है, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्या ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, इसका क्या नाम है, क्लेविकल का क्या नाम है, कॉलर बोन, और क्या ब्यूटी बोन, ये कितनी प्रेजेंट होती है, दो। इट मींस देखिए क्या कि 120 तो क्या हुआ 60 120 हुआ, देन टू क्या हुआ स्कैपुला, जो हमारे हैंड को जोड़े हुआ है स्कैपुला अंशमेखला, एंड देन जो हमारे पैर को जोड़े हुआ है उसे क्या बोलते हैं, वो होती है कौन सी हड्डी, ये देखिए पेल्विक, क्या है पेल्विक, सॉरी श्रोणि मेखला, क्या पेल्विक। एंड देन तो ये हुई तो 24 एंड दो क्या हुआ क्लेविकल, जो जिसे क्या बोलते हैं ब्यूटी बोन हड्डी, ठीक है ब्यूटी बोन। ओके, ब्यूटी बोन। ओके, तो ये क्या 126 ये कंप्लीट हो गया। ओके, पता है ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पता है ये जो क्लेविकल बोन्स होती है यहाँ तो नहीं, हाँ बुजुर्गों में पहले पहनते थे, पता है उसका नाम नहीं है, वो चांदी का होता था, ऐसे मोटा सा होता था, उसे हसुली शायद कहते हैं, कुछ कहते हैं हसिया के आकार का, ऐसे मोटा सा होता है चांदी का, बुजुर्ग पहले पहनते थे, जबकि राजस्थान में ऐसा अब भी है कि वहाँ की जो फीमेल होती है, महिलाएं जो होती हैं वो पहनती हैं, क्या हसुली हड्डियाँ। तो पेपर में पता है क्या पूछ लिया था कि हसुली हड्डी कहाँ होती है, आप बताओ भाई, किस, ये थोड़ी पता है किसी को हसुली हड्डी, ये तो पता है क्लेविकल ब्यूटी बोन, बट हसुली हड्डी थोड़ी पता था, एग्जाम इतना घुमा के पूछते हैं ना कि अगर इंसान को पता भी रहे तब
तब भी कंफ्यूज हो जाता है। तो हस्तु या हसुली हड्डी जो भी उसे बोलते हैं, शायद मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो हसुली ही बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं, जो मैं बता रही हूँ शायद हसुली ही बोलते हैं वो जो ऐसे गले में पहनते हैं, तो उस हड्डी को क्या बोले, हसुली हड्डी। तो क्या है, क्लेविकल बोन को कहते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब देखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए। जस्ट क्या हम समझेंगे, पहली बात तो ये कि आप लोग आंख बंद करके सिर्फ सुनिए और हम जैसे ही आपको बता रहे वैसे वैसे एकदम माइंड में बैठा लीजिए। क्या फर्स्ट, क्या जो हमारा स्केलेटन है, हड्डी है, दो प्रकार की होती है, एपेंडिकुलर एंड क्या एक्सियल। एपेंडिकुलर एक्सियल, एपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, उपांगी, एंड एक्सियल को क्या बोलते हैं, एक्सियल को बोलते हैं अक्षीय। ठीक है, एपेंडिकुलर में 126 होती है हड्डियां, एंड क्या जो एक्सियल होती है उसमें कितनी प्रेजेंट होती है, 80। इट मींस 206 कंप्लीट हो गया। तो आज हम एक ही मतलब 126 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये जो उपांगी हड्डी होती है ये हमें चलने और कार्य करने के लिए, अभी आपका कोई पैर तोड़ दिया क्या आप चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो क्या ये हड्डियां ही हमें मदद करती हैं चलने और काम करने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट क्या है हमारे हैंड। ठीक है, इसमें क्या आया, ये एपेंडिकुलर में क्या आया, हैंड आया। ठीक है, हैंड में क्या, फर्स्ट हमारा क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजेस। ठीक है, क्या ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजेस। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही याद करिए, क्या ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजेस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और कितनी होती है, 30 इस हैंड में, 30 इसमें, इट मींस 60 हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या देखेंगे, ये 60 हुआ। अब हम पैर की हड्डियों को देखेंगे। पैर में क्या है कि फर्स्ट तो हम क्या देखेंगे कि पैर जहां से स्टार्ट होता है, कमर के नीचे से थाई, थाई में क्या, फीमर, फर्स्ट फीमर, ओके, फीमर, उसके बाद उसके नीचे क्या, कटोरे जैसा क्या होता है, पटेला, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। क्या, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, दैट्स क्लियर। क्या, फीमर, पटेला, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला। अगर क्वेश्चन ये बना कि टीबिया जो बोन्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हमारे क्या, पैर के, लेग के, सॉरी, नी के जस्ट नीचे होती है क्या, टीबिया। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि ये जो हमारा पैर होता है इसे हम टखना बोलते हैं, इसलिए क्या कि टार्सल, ठीक, टार्सल, मेटाटार्सल, एंड फिर क्या, फ्लैंजेस, टोका, इट मींस कि अंगुलियों का फॉर्मेशन हो गया, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो 60 ये, 60 ये कितना हो गया, 120 हो गया। अब बचे कितने, 6 बचे। तो अभी हम आपको क्या बताएंगे, जो हमारा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ये मूविंग का काम कर रहा है, ये हड्डी कहाँ से जुड़ी हुई है, ये स्कैपुला, जिसे अंश मेखला कहते हैं, ये हड्डी जुड़ी हुई है अंश मेखला, स्कैपुला हड्डी। ठीक है, क्या जो हमारे हाथ को जोड़े हुए है वो क्या है, स्कैपुला। तो कितनी हुई, 2, 122 हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जैसे हाथ को जोड़े हुआ है वैसे नीचे पैर में भी, तो कमर से भी तो हड्डी जुड़ी हुई है ना, वो कौन सी है, तो पेल्विक, इट मींस पैर से पेल्विक, क्या, पैर से पेल्विक, जिसे श्रोणि मेखला कहते हैं। कितनी, 2, ठीक है, कितनी हो गई, 24 हो गई। हाँ, अब हम क्या देखेंगे कि कॉलर के पास, कॉलर के पास यहाँ बहुत ही वीक हड्डी होती है, यहाँ पाई जाती है, इसे ब्यूटी बोन कहते हैं, क्लेविकल बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन, क्लेविकल बोन, एंड हसुली हड्डी। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि हड्डियाँ जो आपको एपेंडिकुलर में हम बताए 126 हड्डियाँ होती हैं एकदम क्लियरली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं क्या कि अब जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि 80 हड्डियाँ कहाँ होती हैं, क्या कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फेस में कितनी होती हैं, सारी हड्डियों को हम बहुत ही अच्छे से ईजिली एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि आप कभी हड्डियों को भूल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो थैंक्स, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए एंड हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगले दिन और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये स्केलेटन सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा, हर एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्केलेटन सिस्टम से, हड्डियों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। सो प्लीज़ इस पर फोकस जरूर करिएगा आप लोग, विदाउट स्किप ये वीडियो को देखिए। ओके, तो मिलते हैं अगले दिन, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। ओके थैंक यू एंड मिलते हैं अगले दिन। हैव अ नाइस डे। बाय।